अभी कंपनियों ने अपने AMC चार्ज का जो प्लान था तो उसमें कुछ चेंज किया हुआ है। अभी यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ एंजल वन का। तो दोस्तों एंजल वन के अकॉर्डिंग पहले भी इसमें ये था कि एक साल के लिए आपको AMC चार्ज फ्री मिलता था, वो दोस्तों अभी भी है। उसके बाद सेकेंड ईयर से AMC चार्ज लगना स्टार्ट होते हैं, वो दोस्तों प्लान अभी भी है। लेकिन दोस्तों इसमें अब दो पॉइंट जुड़ गए हैं, वो ये है, एक है इसमें नॉन BSDA, दूसरा इसमें BSDA। तो दोस्तों नॉन BSDA के लिए प्लान ये है कि इसमें 20 रुपये प्लस टैक्स, तो लगभग 3 रुपये 60 पैसे के आसपास आपका टैक्स होता है, तो 23 रुपये 60 पैसे ये आपका टोटल हो जाता है जो कि आपको पर मंथ देना है। पहले दोस्तों ये ईयरली था, अब इसको पर मंथ कर दिया है। अब दोस्तों इसमें AMC चार्ज नहीं लगेगा, उसकी भी एक कंडीशन है, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों इसमें दूसरा प्लान है BSDA, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। तो दोस्तों इसके अंदर अगर आप आते हैं, अब दोस्तों आएंगे कैसे, क्योंकि दोस्तों पहले यह प्लान नहीं था, अब इसको कर दिया गया है। तो इसके अंदर अगर आपको आना है BSDA के अंदर, तो इसके लिए आपको कस्टमर केयर के लिए कॉल करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा। और अब अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो दोस्तों ये ऑप्शन आता है, तो अब आप इनको शुरुआत में सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पुराने क्लाइंट हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको कस्टमर केयर के लिए कॉल करना है। तो दोस्तों अगर आप BSDA के अंदर आते हैं और अगर इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि आपकी इसमें होल्डिंग्स है 50,000 रुपये तक, तो इसमें AMC चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन इसमें आपकी होल्डिंग्स हैं 50,000 से लेके 2,00,000 तक, तो इसमें 100 रुपये प्लस टैक्स पर ईयर AMC चार्ज लगेगा। अब दोस्तों वो कंडीशन कौन सी है जिसमें आपसे AMC चार्ज नहीं लगेगा? तो दोस्तों वो कंडीशन ए है, और वो नॉन BSDA वालों के लिए है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आप अपना AMC चार्ज फ्री इस तरीके से करवा सकते हैं, क्योंकि वैसे तो इसमें AMC चार्ज लग रहा है ना 20 रुपये प्लस GST 23 रुपये 60 पैसे। अब दोस्तों ये फ्री ऐसे हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आप इसमें डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, अब इसके बाद आप इसमें कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करते हैं, मतलब कि आप कोई भी शेयर नहीं खरीदते हैं, तो इसमें कोई भी AMC चार्ज नहीं लगेगा। इसमें दोस्तों जो 20 रुपये प्लस GST चार्ज लग रहा है, तो वो उन लोगों के लिए है जो इसमें ट्रेड करेंगे या फिर कोई भी ऑर्डर प्लेस करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आज 22 मार्च है और मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, अगर मैं अप्रैल में कोई भी ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो अप्रैल महीने का मुझसे AMC चार्ज लिया जाएगा 23 रुपये 60 पैसे। उसके बाद अगर मैं उस शेयर को अप्रैल में ही बेच देता हूँ तो क्या होगा, मुझसे अप्रैल मंथ का AMC चार्ज लग चुका है। हम मान लीजिए कि मैं अप्रैल के बाद आता है मई या फिर जून, तो इनमें मैं कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करता हूँ, तो मुझसे AMC चार्ज भी कोई नहीं लिया जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि मैं अप्रैल में मैंने किया, इसके बाद मैं 11 या फिर 12 या फिर 18 या फिर जितने भी टाइम तक मैं कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करता हूँ, तो मुझसे AMC चार्ज नहीं लिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंडीशन ये है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई शेयर खरीदा अप्रैल में, उसको बेचता हूँ जाके अक्टूबर में, ठीक है, तो बीच में जितने भी महीने आए तो उनका हमसे AMC चार्ज ले लिया जाएगा जब मैं उसको सेल करूंगा उस टाइम पर। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप डीमैट अकाउंट में होल्डिंग्स रखते हैं, जितने महीने रखेंगे उतने महीने की लगेंगे। अगर आप होल्डिंग्स नहीं रखते हैं और आप किसी महीने ट्रेड करते हैं तो उस महीने का लग जाएगा। अगर आप कोई महीना बीच में छोड़ देते हैं जिसमें ट्रेड नहीं करते हैं, तो उस महीने का AMC चार्ज नहीं लगेगा।